प्रॉब्लम 20 में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी इंडक्टर की बच्चों गिवन है अपन को और करंट भी दे दिया है इसने। काफ़ी इजी होगा क्वेश्चन ये तो। एनर्जी दे दिया, करंट दे दिया, अपन को इंडक्टेंस मांगा है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अपन फार्मूले से लिखते हैं, 1/2 आ जाता है, Li स्क्वायर होता है। किसी भी इंडक्टर को इस तरह अज्यूम कर लोगे तो करंट पास करते हो तो इसके अक्रॉस इस तरह से क्या मिलती है बच्चों, एनर्जी ऑसिलेट करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, डायग्राम की जरूरत तो है नहीं अपन को। ये हो जाएगा बच्चों 25 मिली का मतलब है 10^-3, ये हो गया हाफ। L स्टैंड्स फॉर इंडक्टर और I की जगह पे हो जाएगा 60, मिली मतलब होता है -3 और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, इसको यहाँ लाओगे तो हो रहा है आंसर 50 × 10^-3 और L आ गया 60 × 10^-3 और एक और 60 कर देते हैं 10^-3। इससे इसको हटा दीजिए आप, L का आंसर आ जाएगा 50/3600 और ये हो जाएगा प्लस में इधर आके। इससे कैंसिल कर लेते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 13.89 हेनरी के आसपास और ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही पड़ जाएगा। बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन आ गया है, सिर्फ फॉर्मूला रखना है और आंसर मिल रहा है। आउट ऑफ 3 वेरिएबल्स ये भी गिवन है और करंट भी गिवन है, अपन को आंसर मिल रहा है। ठीक है।